हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं प्लांट शेयर कर रही हूँ वो है मेरे ब्यूटीफुल सी क्रोटॉन, जो कि कटिंग से इसको हमने लगाया था अभी लगभग एक साल पहले ही इस प्लांट को लगाया है। और ये मेरे इंडोर प्लांट थे, मतलब सब अंदर रखे हुए थे, तो क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं दे रही थी, इनमें कलर नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको बाहर ला करके रखा है। और आप देख सकते हैं कि इतने सुंदर कलर्स इस पर आ गए हैं, क्योंकि धूप में इनको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि पत्तियों में सुंदर सा कलर आए, तब भी उसके लिए आपको इसे धूप में रखना ही पड़ेगा। और इंडोर ये चल जाते हैं, लेकिन आपको पत्तियों में कलर लाने के लिए धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, कटिंग से लगाया हुआ है और एक साल पुराना मेरा प्लांट है। आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में एक लगा हुआ है, और ये देखिए कितना सुंदर ये हो गया है। और इसका जो मेन प्लांट है वो ये है, ये देखिए इसका मेन प्लांट, तो ये काफ़ी बड़ा है। और इसमें देखिए कितने सारे पत्तियों में जो कलर्स आए हुए हैं, अभी थोड़ी रात हो गई है तो पत्तियों का जो कलर्स है वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे पा रहा है। और ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो इसको मैं हटा दूँगी अब यहाँ से। और अब जब पत्तियों में कलर आ जाए तो आप इसको अंदर फिर से रख सकते हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन के लिए इनको बाहर रखा था, अब फिर से इनको अंदर रख देंगे। तो कटिंग से बहुत आसानी से हो जाते हैं क्रोटॉन, काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस इसके लिए आपको थोड़ा सा सॉइल अच्छी बनानी होगी, वेल ड्रेन्ड सॉइल में, और पानी थोड़ा कम दे, और बीच बीच में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरा मेरा देखिए गोल्डन डस्ट, जो कि मेरे मेन प्लांट की कटिंग से लगाया था। और आपने शायद मेरे अगर पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखा होगा इसका जो मेन प्लांट था वो पूरा जो है टूट गया था, और उसके बाद गर्मी आ गई थी तो वो फिर से ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन उसकी कटिंग, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अपने हर प्लांट की कटिंग कहीं ना कहीं मैं लगा के रखती हूँ पहले ही, तो ये कटिंग जो लगा ली थी ये उसी की है। और ये देखिए अब ये भी बहुत अच्छे से चल गई है, मेरा प्लांट जो है रेडी है, इतना बड़ा हो गया है। लेकिन जो इसका मेन प्लांट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही सुंदर, गोल्डन डस्ट इसे बोलते हैं। तो क्रोटॉन आप लगाएं ज़रूर, क्योंकि बहुत टाइम तक ये चलते हैं, और जब ये थोड़े वसी से बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनकी वेरीगेटेड जो लीव्स हैं वो बहुत सुंदर लगती है, इसी के लिए ये लगाई भी जाते हैं, क्योंकि कलरफुल जो पत्तियां होती हैं बहुत सुंदर सी लगती हैं। तो काफ़ी तरह के क्रोटॉन्स मेरे पास थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यही हैं, तो क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनको बचाया, और पानी की खराबी की वजह से मेरे सारे वो प्लांट ख़राब हो गए। तो यहाँ आने के बाद मेरे प्लांट्स में जो है जान आई है, और ये देखिए मेरे जो क्रोटॉन हैं वो बहुत अच्छे से चल गए हैं। तो आप लगाएं क्रोटॉन, इनकी वेरीगेटेड पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं, घर में रखे हुए बहुत प्यारे लगते हैं, और एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं ये, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर लगाएं, बस यही शेयर करना था फ्रेंड। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।